Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some theorem on Laplace transform and some questions on it. So let's start the video. So the theorem is, if Laplace of f t is equal to f of s, then Laplace of t to the power n f t equal to minus 1 to the power n into d power n upon ds power n fs, where n equal to 1 to 3. तो हमने यहाँ लिखा है इसके टाइटल में मल्टीप्लीकेशन बाई पावर t, तो ये है t का पावर n. तो अगर हमें फंक्शन, जैसे हम जानते हैं लाप्लास का बाई डिफिनीशन f of t होता है 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो अगर इस फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई होगा या t का पावर मल्टीप्लाई होगा तो लाप्लास हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये थ्योरम है. अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, तो देन प्रूफ करना है लाप्लास ऑफ t टू द पावर n एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू डी डी बाई डी एस एन एथ डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटू एफ एस. सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ करते हैं. तो चूँकि हम जानते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. अब हमें यहाँ कुछ दिख रहा है कि यहाँ डेरिवेटिव टाइप का टर्म हमें लाना है, ठीक है, डी पॉन डी एस. तो इसका हम क्या करें, और इसको हम बता दें हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसको जो गणितीय आगमन विधि एक पढ़ा होगा बचपन में जो था, उसमें हम क्या करते थे कि पहले एन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते थे. एन इक्वल टू 1 के लिए अगर ट्रू हो जाता था तो फिर हम दिखा देते थे कि एन इक्वल टू आर के लिए भी ट्रू है, और फिर इसके बेसिस पे हम दिखाते थे एन इक्वल टू आर प्लस 1 के लिए ट्रू है. तो ये थ्योरम कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा. तो हम सबसे पहले 1 के लिए जाएंगे. जब 1 के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एस, और यहाँ 1 होगा तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस. तो इसीलिए हमने कहा कि हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड का. तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, या इसको हम ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा इक्वल टू एफ एस ऐसे, फिर हम इनका डेरिवेटिव करेंगे. तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या सिंपली चाहे तो एफ डैश एस लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओ डी एस एफ ऑफ एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो यहाँ पे हम डेल यूज कर सकते हैं, डेल बाई डेल एस, या डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो चूंकि इसी में एस का फंक्शन है तो हम इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. एफ टी यहाँ कांस्टेंट की तरह होगा, तो एक तरह से यहाँ से हमें मिलेगा 0 टू इन्फाइनाइट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एस, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम डिनोट कर रहे हैं एफ डैश एस से. इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस के रिस्पेक्ट में माइनस टी एंड ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो गया एफ टी और डी टी. क्लियर? तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये माइनस हम बाहर करेंगे और फिर उसको हम इधर ला देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डैश एस, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, और इसको अगर हम एक ब्रैकेट में लिखें तो टी ऑफ एफ टी डी टी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, टी और एफ टी को हमने एक साथ ले लिया क्योंकि ये पूरा ही टी का फंक्शन है. तो ये हमारा उसी तरीके से दिख रहा है जैसे लाप्लास हो टी ऑफ एफ टी का. तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी ऑफ एफ टी, और इधर क्या है माइनस एफ डैश एस. तो अगर हम इसको क्वेश्चन 1 माने, तो अब इसको ध्यान से देखिए और अपना थ्योरम को देखिए क्या है. अगर हम n के जगह 1 रखेंगे तो सही है, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस 1 टू द पावर 1 इज़ माइनस 1, एफ टू द पावर 1 एस,
और इधर एल टी टू द पावर वन, या सिंपली हम टी लिखें ऐसा, तो ये शो कर रहा है कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। तो ये क्या कर रहा है, सो दिस शोज दैट इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर, या द गिवन थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपली हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दिख रहा था हमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो आगमन विधि होता है उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम n इक्वल टू वन के लिए अगर ट्रू है तो वो r के लिए भी ट्रू होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं सिंपली n इक्वल r सब्स्टिट्यूट करके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस f टू द पावर r, यहाँ से r टाइम्स डेरिवेटिव हो गया एक तरह से, फिर ये लाप्लास, और इधर हो जाएगा t पावर r एफ टी। क्लियर, सिंपल, जहाँ वन था वहाँ हमने r यूज़ कर लिया फॉर n इक्वल टू r, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू r, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको r प्लस वन के लिए दिखाएंगे। जब r प्लस वन के लिए दिखाएंगे तो इसका एक बार और डेरिवेटिव हम करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू s, वी गेट, अगर हम एक बार और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s तो क्या होगा, इसका पावर एक बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा। और अगर इधर हम करेंगे तो पहले बाय डेफिनेशन इसको ब्रेक करेंगे, तो एक तरह से d बाई डी एस ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस टी टी पावर r f ऑफ t और dt dt। फिर हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे उसी तरीके से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 टू इन्फाइनाइट, जब s के रिस्पेक्ट में केवल ये टर्म होगा, बाकी सारा t का टर्म है, या t का एक तरह से t का फंक्शन है ये दोनों, तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस t एंड e टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर r एंड एफ टी डी टी। तो ये हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा r प्लस वन, तो 0 टू इन्फाइनाइट, और ये हमें मिलेगा r प्लस वन और s। सो दिस इज e टू द पावर माइनस एस टी एंड t टू द पावर r प्लस वन, ये t के साथ, और इन टू एफ ऑफ टी डी टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जब यहाँ माइनस वन था तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस वन टू द पावर आर। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या था, सिर्फ सिंगल माइनस था, तो सिंगल माइनस का मतलब होता है माइनस वन का पावर एक तरह से वन। तो अगर हम एन इक्वल टू आर के लिए लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन टू द पावर आर, तो ये माइनस वन टू द पावर आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे साथ एक माइनस वन टू द पावर आर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ माइनस वन टू द पावर आर, और जो एक और टर्म इधर से आया था, तो माइनस वन टू द पावर आर, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, ये क्या शो कर रहा है, सिंपल यही शो कर रहा है r प्लस वन के लिए, जहाँ जहाँ उसमें r था, इसमें इस इक्वेशन में, इसको अगर हम टू माने, इक्वेशन टू में जहाँ जहाँ r है वहीं पे यहाँ r प्लस वन है। तो दिस इक्वेशन शोज दैट
दिस रिलेशन या दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू r प्लस वन, और यहाँ पे r एक तरह से जीरो से स्टार्ट हो सकता है, तो n इक्वल टू वन प्लस टू या टू प्लस वन इस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये सभी के लिए सही हो गया, n इक्वल टू वन के लिए भी सही है, n इक्वल टू r के लिए भी सही है, तो n इक्वल टू इन सभी के लिए सही होगा। तो हम इसको फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, क्योंकि ये n इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू r के लिए भी ट्रू है, और n इक्वल टू r प्लस वन के लिए ट्रू है। सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, दिस इज n इक्वल टू वन टू थ्री। सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, दैट इज f t टू द पावर n, f ऑफ t इक्वल टू of t equal to minus 1 to the power n aisa. So this proves the theorem. तो ये काफ़ी आसान था, हमारा स्टेप कुछ उसी तरीके से होगा जैसे हम 11th या 12th में पढ़े थे, 11th में जो गणितीय आगमन वाला विधि था उसी तरीके से, मैथमेटिकल इंडक्शन में भी तो उसी तरीके से हम इसको किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन इसके ऊपर, सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए टी। तो ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, जैसे ये क्या है हमारा एक तरह से फंक्शन ऑफ टी है ई टू द पावर ए टी, और टी का पावर है यहाँ मल्टीप्लाई बाई हो गया टी पावर। हम ने अभी थ्योरम प्रूफ किया है ये वाला, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन इंटू एफ एस। तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ टी का मान क्या है, एफ टी है हमारा ई टू द पावर ए टी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर 2 and e to the power minus 80, so this is minus equal to minus 1 to the power, जैसे यहाँ n है तो n, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2, d power 2 and s का power 2 f of s, clear? f of s हमें कहाँ से मिलेगा, f of s हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से अगर हम laplace निकालें इसका, laplace of f of t, तो ये देगा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 80, और इसका मान क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस ए, क्लियर? तो ये पता होना चाहिए, तो आप शुरुआती वीडियो ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो ई टू द पावर माइनस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस ए, और यही हमारा क्या है एफ ओ एस। तो पहले हम ये निकाल लेंगे एल ओ एफ टी, हमें एफ एस की वैल्यू मिल गई कितनी 1 अपॉन एस प्लस ए, उसी को हम यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया डी टू डी एस टू एफ ऑफ एस इज 1 अपॉन एस प्लस ए। तो हमें क्या करना है, दो बार इसका एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो सिंपल है डी बाई डी एस, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे कुछ इस तरह से 1 अपॉन एस प्लस ए, तो ये क्या होगा डी बाई डी एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर ऐसा। फिर अगर एक बार और हम एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस 2, सो दिस इज दिस बिकम्स प्लस, सो 2 अपॉन एस प्लस ए का पावर 3, क्लियर? तो काफ़ी आसान था, हमें इसी के वजह से पे चलना पड़ेगा, टी स्क्वायर और ये फंक्शन हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा थ्योरम है, ये टी का पावर एन वाला थ्योरम है, और उसी के बेसिस पे हम पहले इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसके बाद एफ एस की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस एफ टी से, एफ टी से हम ऐसे एफ एस की वैल्यू निकाल लेंगे,
फिर वही एफ एस यहाँ पुट करेंगे, ये जितनी बार डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी आसान था। अब ठीक है, हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा एक और क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस हाइपरबोलिक टी। तो यहाँ पे हमारा एफ टी क्या है, ये रहा एफ टी। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ टी टू द टी कॉस हाइपरबोलिक टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर, यहाँ टी का पावर क्या है वन, सो माइनस वन का पावर एन डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस। ये एफ ऑफ एस हमको मिलेगा एफ टी से। तो हियर एफ टी इज कॉस ऑफ हाइपरबोलिक टी, सो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक टी। और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए पहले से, इसका मान होता है एस स्क्वायर माइनस वन, या फिर आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, उसी तरीके से लाप्लास ऑफ साइन एस टी होता है वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, इस तरह से। तो ये आप पहले से देखे रहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ निकालना पड़ेगा जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें दे रहा है एफ एस की वैल्यू, और यही एफ एस हम यहाँ पर पुट करेंगे एफ एस। सो लाप्लास ऑफ टी कॉस एस टी इक्वल टू माइनस वन डी बाई डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, सो दिस इज माइनस, यहाँ पे हम डिवीज़न लगाएंगे तो एस स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस एस टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर माइनस वन, और एक एस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा टू एस स्क्वायर, सो माइनस एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर, सो एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर, टी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक टी इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर, तो काफ़ी आसान है हमें इसको यूज़ करना, बड़े आराम से हम एफ टी निकाल सकते हैं, उसके बाद हमें एफ एस मिल जाएगा, फिर उसका जितने टाइम्स डेरिवेटिव होगा उतने टाइम्स डेरिवेटिव कर लेंगे, उसके बाद काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम करेंगे हम। तो ये है अगला थ्योरम, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल इंटीग्रेशन ओवर जे एस टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। कंडीशन ये है कि ये इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिवीज़न बाई टी है, या पावर टी भी हो सकता है। तो ये डिवीज़न बाई टी वाले क्वेश्चन में ऐसा हम करेंगे, अभी हमने पढ़ा था उसमें टी मल्टीप्लाई था, कुछ इस तरीके से था वो, ऐसा टी ऑफ एफ टी, और हम इसका लाप्लास निकाल रहे थे तो वो कुछ ऐसा आ रहा था, यहाँ एन था तो यहाँ एन था डी का पावर डी एस टू द पावर एन, और यहाँ पे था एफ एस इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, एफ टी अपॉन टी है एक तरह से, डिवाइड हो रहा है तो डिवीज़न बाई टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, यहाँ पे हमें दिखाना है कुछ एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एस टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे एस के रिस्पेक्ट में और
इंटीग्रेशन होगा हमारा एस से लेके इन्फाइनाइट तक. सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, इस टर्म का हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, सो जीरो टू एस टू, ये भी हम लिख लें विथ लिमिट या विद इन लिमिट एस इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट. थ्योरम के हिसाब से जो हमें प्रूफ करना है, सो एस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इसका एक हमारा डी एस होगा ऐसा. तो हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन हमारा एस के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे केवल ई का जो पावर है वो एस के टर्म में है, बाकी सारा टी का फंक्शन है. तो यहाँ पे हम एस और टी इंटरचेंज कर सकते हैं. तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिखें ज़ीरो टू इन्फाइनाइट एस टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और डी एस एंड एफ टी और डी टी, क्लियर. तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, इस पर लिमिट आएगा एस टू इन्फिनिटी एफ टी और डी टी, तो क्लियर है. इसके बाद जब हम लिमिट रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी करेंगे, यानी ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा. हम टी के प्लेस पे इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट ज़ीरो हो जाएगा, और जब टी के जगह यस रखेंगे, हम एस के जगह पुट कर रहे हैं टी के जगह पे नहीं, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में था, तो जो लिमिट होगी वो एस के प्लेस पे होगी. तो एस के जगह इन्फाइनाइट होगा तो ज़ीरो, एस के जगह पे अगर हम एस रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, और माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो लोअर लिमिट हम रखते हैं वो माइनस लगा कर रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा. तो हम ऊपर लिखते हैं फिर, तो यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ तक देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिए हैं एफ टी का, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक. यहाँ माइनस एस टी है, फिर उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यस विथ रिस्पेक्ट टू यस विद इन लिमिट एस टू इनफाइनाइट. तो सिंपली यस टू इनफाइनाइट, यस टू इनफाइनाइट. अब चूंकि एस का एक फंक्शन केवल ई टू द पावर माइनस एस टी है, इसलिए केवल उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ. अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं. जब हम लिमिट रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ज़ीरो टू इनफाइनाइट. पहले हम इधर का लिख लें, इधर था कुछ एस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एस और डी एस, ये हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी बाई टी, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारी लोअर लिमिट माइनस के साथ आती है. सो दिस विल बिकम प्लस एंड दिस इज एफ टी और डी टी, क्लियर. तो काफ़ी आसान है. फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और टी, इस टी को हमने यहाँ ले लिया इस तरीके से, और ये हो गया डी टी, ठीक. तो ये हो गया. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, या फिर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें,
जैसे हमारा एस के रूप में दिख रहा है, इसको हम एक्स के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, एस है यहाँ पे इनफाइनाइट e टू द पावर एफ एस और डी एस, तो दोनों तरफ एक तरह से एस का फंक्शन है। तो हम चाहें तो इसको एक्स भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा हम केवल चेंज कर रहे हैं एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस लिखे, चाहे हम यहाँ एफ एक्स डी एक्स लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस, या इसको हम सिंपल लाप्लास ही लिख दें, या उस तरह से चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारा लाप्लास एफ ऑफ टी अपॉन टी, क्लियर। चाहे तो हम एक स्टेप दिखा लें, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे फिर हम नेक्स्ट में इसको दिखा देंगे, तो भी ये सही है। तो ये है हमारा थ्योरम, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जब हम कभी इस तरह के फंक्शन पाएंगे जैसे लाप्लास ऑफ साइन 80 बाई टी, तो सपोज़ करिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी, सिंपली हम यही फार्मूला उस पर अप्लाई करेंगे। तो चाहे तो इसको कर सकते हैं, सपोज़ करिए कि यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी, तो एक तरह से ये उसी फॉर्म का हो गया लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, इसी तरीके से लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं एस टू इनफाइनाइट एफ एक्स और डी एक्स। सो लाप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ऐसा। या हम सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एस और इन्फाइनाइट और एफ ऑफ एस और डी एस, ऐसा भी। तो चलिए, तो हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ टी है कितना, साइन ऑफ 80, सो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 80, और ये होता है ए अपॉन एस माइनस ए, या लाप्लास ऑफ साइन 80 हो जाएगा। सो दिस इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही है एक तरह से हमारा एफ एस, ठीक। तो हम चाहें तो इसको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा हमारा काम। तो ये हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमें दे रहा है एफ एस। तो इसी तरीके से अगर हम एफ एक्स निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल एस के जगह पे एक्स। अब हम इसी को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स मीन्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। यहाँ से एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, इसको हम यहाँ कर लें। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सो इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, क्लियर। सो ये हो जाएगा ए 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एस बाई ए या एक्स बाई ए, ठीक है। लिमिट आएगी एस से लेके इन्फाइनाइट तक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फाइनाइट, टेन में इन्फाइनाइट किसका मान होता है,
टेन में इनफाइनाइट, सो वन बाई ज़ीरो वन पाई बाई टू, सो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस वाई ए ऐसा, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट इनवर्स एस वाई ए, क्लियर। सो लाप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए एंड दिस इज इक्वल माई कॉट इनवर्स एस बाई ए, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा एफ टी अपॉन टी थ्योरम के ऊपर। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो पुराना वाला था, जो इसके पहले वाला थ्योरम था उसके ऊपर। तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, इफ़ लाप्लास ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ऑफ ए टी इक्वल टू दिस वन अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्रूव दैट लाप्लास ऑफ टी अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ए टी इक्वल टू थ्री एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन वो है लाप्लास लाप्लास ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम इस पूरे फंक्शन को एफ टी मान लें तो हमें लाप्लास ऑफ एफ टी मिल गया इक्वल टू वन अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पूरा एक टी का फंक्शन दिख रहा है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है जो वो कुछ इस तरह का है, लाप्लास ऑफ टी और उसके बाद जो हिस्सा बच रहा है वो पूरा का पूरा यही है टी इंटू वन बाई ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ऑफ ए टी, क्लियर। सो दिस टी टी मल्टीप्लाई बाई वन बाई ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ए टी, तो टी इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस कॉस ए टी। तो ये सिंपल हमारा उसी तरीके का हो गया टी इंटू एफ ऑफ टी और इधर लाप्लास, यहाँ पे एफ ऑफ टी ये पूरा है ना, क्लियर, ये एफ ऑफ टी जैसा। सो यहाँ पे हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर एन, यहाँ सिर्फ टी है तो क्या होगा वन, उसके बाद डी बाई डी एस, यहाँ भी पावर वन ही होगा सो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ही टी है तो हमारा माइनस वन टू द पावर वन हो जाएगा और डी बाई डी एस और इधर एफ ऑफ एस, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एस और एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी यहाँ लाप्लास ऑफ एफ टी करके, यही हमारा एफ ऑफ एस है। तो यहाँ पे पुट करिए तो हमको मिलेगा वन अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर सिंपल, दिस इज एफ एस सो दिस इज एफ एस। तो क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवीज़न मेथड से, तो हम कैसे करेंगे एस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले हम इसी टर्म को लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में दो टर्म आएगा, एक एस है फिर टू एस फिर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना देख लीजिएगा धीरे धीरे करके, क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हमने लगाया है क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है एस का, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, जब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो एस का डेरिवेटिव सिंपल वन हो जाएगा।
तो उसको हमने यहाँ नहीं लिखा है, ये सिंपली वही चीज़ है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2s² + s² यानी 3s². सो 3s² + a² / क्या है s² + s² + a² ये। तो देखने में ये काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन था ये, इधर से वही है। तो t/a² × 1 - cos(at), ऐसा। सो दिस इज़ द आंसर। तो ज़रूरी है कि आपको ये फार्मूला याद हो जो अभी हमने थ्योरम कराया, जो ये था Laplace(t·n) (f(t) = −1·n · dn/dsn(f)। तो ये फार्मूला याद होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप सीरीज़ से सारे वीडियो देखें, शुरू से लेके जो पहले लेक्चर से लेके अब तक का है पूरा, तब जा आपके समझ में आएगा। और आप डायरेक्ट कोई भी वीडियो बीच से देखेंगे तो कोई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो पहली डिफिनीसन थी लाप्लास की वो तो वहीं से आई है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ से फिर क्रम से आगे बढ़ेंगे तो गारंटी है हमारी सारे वीडियो समझ में आएंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे हम लगभग सभी थ्योरम कर लिए हैं, अब क्वेश्चंस केवल बाकी हैं और इसके बाद हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चलेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।